Good morning, friends. Various activities are involved in marketing, and these activities are called as functions of marketing. So let's start with functions of marketing. The first is gathering and analyzing market information. सबसे पहले एक marketer market survey, market research करके information collect करता है. फिर इस information को analyze करता है, टेबल्स और ग्राफ्स बनाता है और यह फाइंड आउट करता है कि कस्टमर की, उसके टारगेट मार्केट की नीड्स क्या है, कस्टमर कौन से फीचर्स उसमें चाहते हैं, कस्टमर्स की पेइंग कैपेसिटी क्या है. वह आइडेंटिफाई करना एक मार्केटर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके साथ ही मार्केटर अपनी स्वॉट एनालिसिस भी करता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज इसके लिए अवेलेबल है और उसकी थ्रेट्स क्या है. आजकल आईटी सेक्टर ने भी मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. जैसे जब भी आप कोई ऐप यूज़ करते हैं तो वह आपसे रेटिंग पूछता है. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. द सेकेंड इज मार्केटिंग प्लानिंग. इसके बाद मार्केटर अपना प्लान बनाता है कि वह प्रोडक्शन किस तरीके से इंक्रीज करेगा, अपना प्रोडक्ट या सर्विस किस तरीके से प्रमोट करेगा. सो द मार्केटर विल मेक द स्ट्रैटेजी. द थर्ड इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. इसके बाद एक मार्केटर अपना प्रोडक्ट डिजाइन करता है, उसे डेवलप करता है. Designing means to set the features, style, size, shape, quality of the product. जब भी हम कोई product purchase करते हैं तो उसके benefits के साथ साथ उसका appearance भी देखते हैं. जैसे आप जब car purchase करते हैं तो उसकी cost, mileage के साथ साथ उसका appearance, उसकी style, design भी देखते हैं. The fourth is standardization and grading. Standardization is very important for branded products. जैसे branded products में uniformity होती है, consistency होती है, यह product certified होते हैं. जैसे hallmark होता है, इस पे BIS mark होता है, ISI mark होता है. So these products are standardized, यानी इसमें सेम कंटेंट, इंग्रेडिएंट, फीचर्स, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. क्वालिटी इसकी सेम रहेगी तो आपको बार बार इंस्पेक्शन या वैल्यूएशन, इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड सेट फॉर द प्रोडक्ट और फॉर द सर्विस. ग्रेडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जाती है जहाँ पर स्टैंडर्ड सेट नहीं हो सकते. जब भी आप फूड ग्रेन्स मैन्युफैक्चर करते हैं या फ्रूट्स वेजिटेबल्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें कई क्वालिटी के आपको क्रॉप मिलती है, तो आप उसे सबसे पहले सॉर्ट आउट करेंगे. जैसे एप्पल्स है तो जो एप्पल्स बिगर इन साइज है, टेस्ट उसका, कलर अच्छा है, वो आपने ए ग्रेड में रखा है. उससे जो कम साइज के है, छोटे साइज के है, टेस्ट थोड़ा कम है, उसे आपने दूसरे ग्रुप में रखा, बी ग्रेड में रखा. सो उनकी क्वालिटी के हिसाब से आप उनका प्राइस सेट करेंगे. सो दैट इज ग्रेडिंग विच इज डिसाइडेड, विच इज डन बाय द मार्केटर. नाउ द फिफ्थ इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग. किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे प्लास्टिक बॉटल, ग्लास बॉटल, ट्यूब, टेट्रा पैक, इसमें भी आप प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शरी पैकेजिंग पढ़ेंगे. अब इस पैकेजिंग के ऊपर कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन प्रिंट करती है जिसे कहते हैं लेबलिंग. सो पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को सेफ तो रखती है, इसके साथ साथ प्रमोट भी करती है. कई बार प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके पैकेज से कंपेयर की जाती है. लेबलिंग से आपको प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है. सो यू विल बी मोर कन्विंस अबाउट द प्रोडक्ट. नाउ द सिक्स्थ इज ब्रांडिंग. ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ नेम टू योर प्रोडक्ट. आप चाहे तो अपना प्रोडक्ट जेनरिक नेम में भी सेल कर सकते हैं, जैसे फैन, ट्यूबलाइट, पेंसिल, पेन, नोटबुक. लेकिन जब आप इस प्रोडक्ट को एक नाम देते हैं, जैसे अप्सरा की पेंसिल, नटराज की पेंसिल, रोटोमैन का पेन, रेनॉल्ट
या फिर फैन, बजाज फैन. सो ब्रांडिंग गिव्स अ नेम टू योर प्रोडक्ट. यू कैन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. इससे आपको आपका प्रोडक्ट प्रमोट करने में हेल्प मिलती है. आपकी ब्रांड लॉयल्टी भी इससे सेट होती है. अब मार्केटर को यह डिसाइड करना है कि वह अपने हर प्रोडक्ट को एक अलग ब्रांड नेम देगा, जैसे लक्स, सर्फ एक्सेल, एरियल, या फिर वह एक ही ब्रांड नेम सभी प्रोडक्ट के लिए यूज करेगा, जैसे सैमसंग करते हैं, एलजी करते हैं, गोदरेज, टाटा. सो ब्रांडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. द नेक्स्ट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. आजकल कॉम्पिटिशन इतनी बढ़ गई है कि कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आफ्टर सेल सर्विसेज, हैंडलिंग द कस्टमर ग्रीवेंसेज, गिविंग टेक्निकल सर्विसेज. जब भी आप कोई कार परचेज करते हैं, व्हीकल परचेज करते हैं, तो आपको उसमें फ्री सर्विसिंग मिलती है. वह आपको आके डेमो भी देते हैं प्रोडक्ट का. आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आपको आके गाइड करते हैं. सो दिस कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिपीट सेल फ्रॉम द कस्टमर. नाउ द 8th इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट. प्राइसिंग रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस विच अ बायर हैज टू पे फॉर बाइंग दिस प्रोडक्ट और द सर्विस. Now the marketer has to consider many factors while deciding the price. Jaise cost of the product, then the competitor's price, government policy, demand of the product. So a marketer has to be very alert while deciding the price, because there is an inverse relation between price and demand. Yadi aapke product ki price kam hogi, to demand zyada hogi. Now the next is promotion. Promotion means to inform the customer about your product or services, attract them, persuade them to buy it. Promotion includes various tools like advertisement, personal selling, public relation, publicity, sales promotion activities. अब एक marketer को इन tools में से एक combination use करना होगा, ताकि वह अपने प्रोडक्ट या सर्विस की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा सके, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके. नाउ द नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब प्रोडक्शन ही केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ हमें अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा. सो द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी इंटरमीडियरीज, जैसे एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंपनी शोरूम, जहां से आप अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कुछ टर्शियरी सेक्टर की सर्विसेज चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, देन ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल. इन सभी सर्विसेज को यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं. Now the next is transportation. Transportation implies the physical movement of goods from the place of production to the place of consumption. There are various modes of transportation like roadway, railway, airway, waterway. You have to see the nature of your product, cost, the place of market, and then decide which mode of transportation you want to use. कस्टमर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, एंड वी से देयर इज अ ग्लोबल मार्केट, यानी मार्केट एक है. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि आप अपना प्रोडक्ट एक प्लेस से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं. सो दिस ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी. नाउ द नेक्स्ट इज स्टोरेज और वेयर हाउसिंग. स्टोरेज और वेयर हाउसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. तो आपको आपके प्रोडक्ट्स स्टोर करने होंगे, जिसके लिए वेयर हाउस होते हैं, ताकि जब मार्केट में डिमांड हो आप इस प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकें. सो वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी फॉर द प्रोडक्ट. वेयर हाउस आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि ये डैमेज ना हो, मॉइस्चर ना हो, थेफ्ट ना हो इन प्रोडक्ट की. और आजकल हमारे पास कोल्ड स्टोरेज भी होते हैं, जिससे पेरिशेबल गुड्स भी स्टोर किए जा सकते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. सो फॉर द ईयर यू गेट द प्रोडक्ट. सो
I hope you have understood all the functions of marketing. If you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you.